यहाँ का व्यू जो है ना, लाइक दिस इज द बेस्ट व्यू ऑफ मुंबई। अमिताभ बच्चन जी का बंगला हम क्रॉस कर रहे हैं। माँ कसम, वो दिस इज लाइक टू मच, दिस इज स्पेशली फॉर मी। ऑलराइट एंड रेडी टू रॉक एंड रोल। ओके चलो भैया, लोअर परेल के रास्ते पे निकलो। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा तो नहीं है सच कुछ। ओ पता नहीं क्यों ना आज का मौसम खुल गया। अच्छी बात है, मुझे लग रहा था कल बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो। कल तो दिन भर बारिश हुई है, मुझे लग रहा था बारिश ही बारिश होगी, बारिश ही बारिश होगी, लेकिन अच्छा है खुल गया, इट्स गुड फॉर अस। हाँ, और कल अपना डीकैथलॉन का सामान आ गया जिसकी अनबॉक्सिंग प्रॉपर तरीके से की जाएगी। ओके धूप पिटे और मैं चश्मा नहीं लेके आया, मतलब लाया हूँ लेकिन हाँ वो कंफर्टेबल नहीं होगा सच, मतलब वो देखने के लिए तो बढ़िया चश्मा है लेकिन नेवर माइंड। ओके पता नहीं, जब मैं बाइक में होता ना आई बिकम मी, लाइक सो मी, दिस इज मी व्हेन आई एम ऑन बाइक। ओके छोटू छोटू चलो चलो भाई, डीएन नगर से बाहर निकलो। और आज शाम को अपने को यहाँ से शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ मैं बर्नार्ड के घर पे रह रहा था लेकिन आज शाम को मैं अश्विनी के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फिर से मेरा टाइम एक्सटेंड हो गया है ड्यू टू RC। तो अब देखना है, पता नहीं कितने टाइम तक रहेंगे यहाँ पे, विल सी कितना और टाइम रुकना पड़ता है, बट विल फिगर इट आउट, दैट्स नॉट अ इश्यू। ओके बॉडी हो, जुहू 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 जुहू। आज लिंक रोड से चलना पड़ेगा क्योंकि हाईवे मैप में तो हाईवे जाम टाइप का बता रहा है, और आज मैंने हाफ कुर्ता पहना हुआ है, जनरली मैं बाइक पे पहनता नहीं हूँ, मतलब मुंबई के अंदर नहीं पहनता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि आधी स्लीव जो होती है ना इतनी काली हो जाती है सूरज की वजह से। चलो फिर मैं सोच रहा था जैकेट पहनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार जैकेट पहनूंगा ना तो पूरा कुर्ता गीला हो जाएगा पसीने से। ओके कहाँ से जाए ये भाई, ये तो ब्लॉक करने के चक्कर में इनो वाला। ओके लेट्स गो बदी। अरे यार शे, चल नेवर माइंड। ये देखो सिगरेट के धुएं का छल्ला बन रहा है। ये देखो ये क्या लाइफ है, स्ट्रीट की लाइफ। आई मीन बट एक चीज रियलाइज करना, जितने भी लोग इस तरीके के होते हैं ना, मतलब बच्चे स्पेशली, वो एक अजीब से मतलब ठीक है प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, ऑफ कोर्स ठीक है, नहीं है मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन दे आर हैप्पी विद स्मॉलेस्ट थिंग, यू नो, लाइक मैं बहुत नोटिस करता हूँ ये सब चीज़ें। जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दे लाइक दे बिकम हैप्पी विद द स्मॉलेस्ट थिंग। ओके लेट्स गो, ये येलो लाइट में क्रॉस कर दिया बेटे, सुपर। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, अमिताभ बच्चन जी का बंगला हम क्रॉस कर रहे हैं हमारे दाएं साइड में, राइट साइड में यू कैन सी पब्लिक। ये जो लोग दिख रहे हैं ना, ओ बेटे मेरे को साइड से निकलना पड़ेगा, सॉरी बट दिस इज मिस्टर बच्चन बंगलो जहाँ वो रहते हैं। आई डोंट नो कितना रहते हैं लेकिन रहते हैं। हाँ, हाँ, समझ रहे हो क्या? लेट्स गो बडी, लेट्स गो। मुझे 1 बजे पहुंचना है लोअर परेल, विच मेरे को लग रहा है मैं पहुंच तो जाऊंगा, सच कोई बात है नहीं। नो पेट्रोल मैं सोच रहा हूँ अभी नहीं भराऊंगा, वापस आते समय भराऊंगा, क्योंकि 12-15 किलोमीटर तो आराम से चलेगी हमारी गामिनी। आई लव यू बेबी एंड दिस इज
द मैरियट, JW मैरियट होटल। ओ भाई ये क्या कर क्या रहा है ये बंदा, बीच रोड में ऐसे उतर रहा है, ये रहा मैरियट होटल। बहुत जल्दी हम जो है ना जुहू चौपाटी पहुंचने वाले हैं। जुहू चौपाटी, जो लोग मुंबई कभी आए नहीं हैं उन्होंने फिल्मों में बहुत देखी होगी जुहू चौपाटी, काफी फेमस है जुहू चौपाटी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है मुंबई में, प्रॉब्ली आई ट्राई टू मेक व्लॉग आउट ऑफ दैट, कि यार यहाँ बीचेस बहुत साफ हो गए हैं और स्पेशली वर्सोवा बीच। आई मीन जुहू में गया नहीं, मतलब दूर से देखा है लेकिन गया नहीं हूँ एज सच, लेकिन वर्सोवा गया था उस दिन में, वो भाई साहब मतलब हद ही हो गई है, मतलब हद हो गई है, इतना साफ विश्वास ही नहीं मुझे हुआ कि मैं यू नो वर्सोवा बीच में। ये रहा देखो जुहू है, दिस इज जुहू बीच, समंदर का किनारा। आई लव मुंबई पुलिस, समझे क्या, आराम से ये देखो शार्प कट है, ये शार्प टर्न कट नहीं बोलेंगे इसे हम। ओके महाराजा भोग, मेरा एक सीए होता था बहुत पहले, या अभी भी है वो, कभी कभी है, लेकिन वो डिपेंड करता है यार, यहाँ पे ना थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना कट वाले हैं। लेकिन यार यहाँ राइड करने का मजा है वैसे, पतली पतली गलियां जुहू की। मतलब एक चीज है मुंबई में कि आप ना मतलब हर तरह की रोडों से गुजरोगे, मतलब पतली मोटी छोटी। ओके बेटे, ये जो होती है ना बड़ी उबड़ खा, जो ऊपर नीचे होते हैं, कैन यू सी दिस, बहुत रिस्की होती है भाई। पहले मुझे लगता था ये एरिया खारदांडा में आता है, लेकिन एक्चुअली ये कुछ और ही, गजधर बंद रोड है, गजधर गज। ओके बेटा 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 बेटा, वी आर वहाँ कसम, वो भाई शाबाश शाबाश शाबाश। ओ बेटा बचे बचे बचे, बहुत बॉल बॉल बचे, क्या हुआ, कर क्या रहा है ये। वो क्या रहा है यार, गलत फंस गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलते हैं। वो छोटी छोटी सड़कों की वजह से क्या हो जाता है ना कि रास्ता ब्लॉक हो। ये देखो कचरा, कैसे बीमारियां नहीं होंगी, आराम से छोटे। और ये भाई बड़ी बड़ी गाड़ी, MG हेक्टर MG व्हाटएवर, रास्ते छोटे हैं, बड़ी गाड़ियां हैं। और यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा जाम है। बरसात में क्या होता है ना भाई, मुंबई जो है ना उसमें, ओके यहाँ से निकले क्या, वेल डन बॉडी, ओके वाह लेट्स गो कीचड़ देखो। ओ बेटे बेटे आराम से, एकदम आराम से, कोई घाय नहीं, बिल्कुल घाय नहीं करनी है, बिल्कुल भी घाय नहीं करनी है, स्पेशली जब आप बाइक चलाए ना, काम एकदम काम रहें, काम और कंपोज रहें, अदरवाइज क्या होगा ना, आप जरा भी पैनिक हुए ना, एक्चुअली किसी भी चीज़ में, पर कार में कम से कम क्या होता है ना कि आप सेफ होते हो क्योंकि अंदर होते हो, बाइक में आप ना ऊपर बैठे हो, कितना भी लड़खड़ा हो कुछ भी हो ना, अगर आप काम हो ना तो आप कंट्रोल कर जाओगे यू नो, या अपनी गिर रहे हो तो कुछ को भी कंट्रोल कर लोगे, कम से कम होगा अगर चोट लगेगी तो यू नो, अगर आप काम नहीं हो ना तो भाई आपका काम हो जाएगा, बुझे। और बेटा ड्यू टू हैवी ट्रैफिक गूगल हमें अंदर ही अंदर से ले जा रहा है, मैंने फाइनली गूगल निकाल लिया क्योंकि यार मुझे याद है यहीं से मैंने अपना लैपटॉप लिया है, मैकबुक प्रो जो सेकेंड हैंड लिया था, इधर ही कहीं से लिया था,
बंदे का नाम नहीं आ रहा, लेकिन यही यही स्टोर है उसकी। अच्छी डील मिली है, मतलब और अच्छी चीज़ मिली, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अपने लिए। और भाई इतनी मेहनत के बाद व्यू देखो, इतनी दूर के बाद जो व्यू है ना यहाँ का, मतलब यहाँ का व्यू जो है ना, लाइक दिस इज़ द बेस्ट व्यू ऑफ मुंबई, लाइक फुल हाई राइज बिल्डिंग्स। और यहाँ पे बाइक चलाने का भी मज़ा अलग है, यू नो फुल लॉन, यू नो जैसी बाइक वैसा मज़ा, फुल थ्रॉटल खींच दो और मजे लो बस। बीच बीच में कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो, एग्जैक्टली लोअर परेल में मेरा जहाँ पहले स्टूडियो हुआ करता था। पर एनीवेज ये है ब्यूटी। इसमें से एक कोई वर्ल्ड ट्रेड टावर है, मुझे नहीं पता, WTC हाँ शायद वर्ल्ड टावर या समथिंग लाइक दैट। पर हम लोग पहुँचने वाले, मैं मेरे को लग रहा है मैं 4-5 मिनट लेट चल रहा हूँ, बट नेवर माइंड। आगे और ऐसे मुड़ना है मैं, अरे नहीं यार, देख हल्का सा एक गलत जो होता है ना ये सब, ओ आई डिडंट सी दैट, क्या कर रहा है यार। और अपने को जाना है यहीं कहीं से, लेफ्ट मारने का है अपने को। ओह यार चलो लेफ्ट कम से कम खुला हुआ है, हॉर्न देते हुए निकले। हॉर्न देने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है ना कि इन केस अगर कोई आ रहा है तो उसे एक आइडिया तो लग जावे। ये पूरा पुराने जमाने का है, ये तो बहुत बुरी हालत। आई गेस ये वही है जहाँ पे एक बहुत बड़ा रेप का वो हुआ था केस, अगर तुम लोगों को पता हो तो, गैंग रेप हुआ था एक बच्चे के साथ, लड़की के साथ। ये शक्ति मिल्स वही है शायद, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक ये वही है, यही कंपाउंड है। दिस इज मैसिव, एक टाइम पे बिल्डिंग रही होगी ना सॉलिड। एनीवेज चलो अभी अपन पहुंच गए हैं, बंद करेंगे बाइक को यहाँ पे पार्क। इधर पे पेड़ भी है, छाए भी है, तो अपना सही है, सेफ है, वहाँ पे जगह नहीं है। अरे भाई साहब देखना, भाई साहब पीछे मत, पीछे पैर मत लगा देना, साइलेंसर गर्म होगा। भाई साहब टाइमिंग देखो, मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सामने बारिश होने लगी है। टाइमिंग ब्रो, इसे कहते हैं टाइमिंग। क्या सही टाइम पे निकला है बंदा अपना और पहुँचा है, मतलब ये कैसा है भाई सलमान ना सेट, वो मेरे भाई का नाम था शाहरुख। हां शाहरुख, सॉरी शाहरुख, पानी लेता। हां यार पानी दे दे भाई मेरे। फाइनली वी आर हियर एंड शी इज अप देयर वर्किंग, शी विल बी डाउन एट एनी टाइम। This is her place. This literally her place, like her office or her workplace looks like second home to me. I mean, इतनी यादें जुड़ी है ना, actually she is the one जिन्होंने मेरे को first time break दिया था as a model also, as a photographer also. So a lot of, you know, great memories. So just waiting. This is like too much. This is especially for me. I mean, food is also for me. Incredible food, like incredible. So I'm going to start. खाना खाते हैं। भाई साहब ऐसा है तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और वो क्या रहा है बाहर देख रहे हो, बारिश देखो। मतलब खतरनाक बारिश चालू है यार। मतलब मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो रेनकोट्स हैं ना वो रखा हुआ है मैंने बाइक पे। बाइक की डिग्गी में हो रही हूँ, वो बेटे पानी देखो यार भाई, कितनी देर की बारिश है ये, कितनी बारिश हो गई, पानी देखो कितना भर गया है। तो बाइक खड़ी है, वो वहाँ तक जाना भी तो अपने आप में टास्क होगा, तो कैमरा भी निकालना पड़ेगा मेरे को, तो आई हैव टू पुट एवरीथिंग बैक।